खेलने में मजा दोनों ही आता है, रेड बॉल से भी और T20 में, दोनों को एंजॉय करता हूँ बेसिकली। दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फोर डे में आपको पेशेंस करना पड़ता है, T20 में आपको वेरिएशन। बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, बिल्कुल एक कस्बा है चक नंबर 188 नले वाला, तो देसी देसी फूड ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, मकई की रोटी और साग। ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर जीतना नहीं चाह रहे, हम स्कोर कर रहे थे लेकिन वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही थी। फिर छठे मैच में हसन कप्तान बना, तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर था, एग्रेशन था उसमें, स्पोर्टिंग था और फ्रेंडली था सबके साथ, तो वो हम जो वो क्लिक वहां से, हम बेसिकली वहां सही क्लिक हमने वहां से किया। फिर मीटिंग हुई थोड़ी सी, उसमें कहा था देखो हम स्टिल अभी भी जा सकते हैं, हमने सिर्फ 4 मैच जीतने, सिर्फ 4 एक एक मैच करके, हर एक एक मैच का प्लान लेके जा रहे थे, तो अगला मैच खेले तो वो भी जीते। तो वो जो चीज, वो जो बातें की हुई थी ना, वो मतलब वो सामने नजर आना शुरू हो गई कि नहीं हम पहुंच सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्रेडिट दूंगा हसन को, उसने बहुत अच्छा वहाँ पे टीम को लेके चला है साथ हर लड़के को। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता गया और आखिर फाइनल पे जाके खत्म हुआ। इस तरह का फाइनल लाइफ में कभी भी नहीं खेला, ना फोर डे में, मतलब ऐसा कुछ था ही ना, वन डे में कभी भी टाई हुआ, तो इतना प्रेशर वाला और इतना मतलब क्लोज और इतना मजेदार मैच के पांचवें दिन भी, मतलब ये सोचने में आ रहा था ये विकेट देखिए नहीं 4 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन पांचवें दिन गया और लास्ट विकेट तक गया और बाद में टाई हुआ, इतना थ्रिलिंग फाइनल नहीं मैंने देखा और लाइफ में, मेरे ख्याल से ये बहुत कम चांस होते हैं और पता नहीं अब कितनी देर बाद होगा ऐसा। मैं तो खेल रहा था ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में जो स्टोरी पता चली ना, मोहम्मद साद था मेरे साथ, मेरा रूममेट भी था वो, तो वो उसने आगे जब मैं रूम में आया ना, उसने मुझे बताया कि जब तुम खेल रहे थे ना, तो 42 ना उससे पहले भी जब वो टीम हमारी नीचे 4-5 प्लेयर नीचे बैठे थे, 4-5 ऊपर प्लेयर में बैठे थे, तो वो वहां भी बैठे हुए थे सारे, वो एक आउट हुआ तो मैं अंदर चला गया, तो वो सारे वहां भी बैठे थे। और साथ तो कह रहा था कि मुझे तकरीबन कोई हर कोई, मतलब ये कह रहा जहां पे बैठे हो भाई यहां भी बैठना ना, और जो जो चीज हाथ में पकड़ी है वही पकड़े रखना, ये कोई मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ये वहां पे बैठे रहे वैसे ही। और उसके बाद जब मैच टाई हुआ ना, तो 2-3 लड़के भाग के नीचे आए, बाद में उन्हें बोलना शुरू कर दिया कि ये आउट हो गया तुम्हारी वजह से हुआ तुम लोगों ने जगह क्यों छोड़ी। वैसे तो अभी जो फेवरेट बैट्समैन था तीनों फॉर्मेट में, तो विलियमसन मुझे अच्छा लगता है, और मैंने इसे T20 में जब मैंने बॉल करने तो मेरे आगे वही था। ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक खेल रहे हो तो आपको सब पता होता है कि ये बैट्समैन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग, 6-7-8 साल से, तो उसके जोन में आप बॉलिंग ना करो। बाद में बैट्समैन के पास बॉल तो एक ही होती है आउट होने के लिए, तो वो यही माइंड में चल रहा होता है कि एक अच्छा बॉल उस जगह एरिया पे हिट करूंगा और मतलब विकेट मिल सकती है। तो ऐसा कोई है नहीं कोई, मतलब जैसे देख के ये कह सकता हूँ कि नहीं भी इसे देख के बॉल। मैंने मेरे बेस्ट आउट है मेरे एक इनिंग्स में 9 विकेट हैं अगेंस्ट KRL, मैं बाबडा से खेला था, मेरे ख्याल से वो अभी तक मेरे करियर बेस्ट और 9 आउट किए थे, और उस टाइम में बाबडा से खेला था, और उस टाइम का ये रिकॉर्ड था कि अभी तक भी है, बाबडा से जितने भी बॉलर खेले हैं उनमें से सबसे बेस्ट फिगर मेरे ही हैं, और बड़े बड़े नाम खेले हैं बाबडा से, बड़े बॉलर खेले हैं, तो वो मेरा बेस्ट था। वो भी एक 10वां कैच था, वो भी छूट गया था, नहीं तो 10 ही हो जाते, मतलब मुकद्दर में 9 ही थे। मैंने किया हुआ है, मतलब वो बंदा ऐसा है कि वो ख्वाहिश तो उस टाइम नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो सामने आया तो उस टाइम ख्वाहिश थी कि हाँ भाई इसे मैं आउट करूँ तो ज्यादा, मतलब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला था तो ये भी मेरे सामने आया था, तो उस टाइम वो बड़ा सेट खेल रहा था, तो उस टाइम मैं जब बॉल किया बॉल पकड़ा था मुझे ओवर के लिए, कहा समीर भाई ने, तो मैंने यही जब बॉल पकड़ी मैं कहा यार इसे आउट कर दूँ ना, तो मैं ख्वाहिश भी थी, तो उसे जब बॉल किया उसे मैंने बॉल किया और सॉल्ट ने कैच पकड़ा था मेरे ख्याल से मैं टॉप की, तो वो मेरा था उस टाइम, वो डेंजरस प्लेयर था उस टाइम, वो आउट हुआ और हम मैच जीते।